अस्सलामुअलैकुम टॉप पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। ड्रामा सीरियल कासा दिल के आने वाले ज़बरदस्ती अकसात की बात की जाए तो इसमें राहिला का पोल तो खुल चुका है और यहाँ पर हातिम और पप्पो पर यह हकीकत खुल जाने के बाद उन्हें बहुत अफसोस होता है, ख़ासतौर पर पप्पो को कि उन्होंने सोमिया जैसी मासूम लड़की पर कितने इल्ज़ाम लगाए और अपने बेटे से भी दूर किया, अपने बेटे की मोहब्बत उसे दूर कर दी। लेकिन चूँकि सोमिया को एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है तो पप्पो को इस बात से तसल्ली मिल जाती है। ड्रामा सीरियल में आपको बताते चले कि राहिला को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, वो अब भी झूठ बोल रही थी। लेकिन तब सोमिया ने उसे कहा, भाभी आप अब भी झूठ बोल रही हैं, आपने जब वहाँ अदन के घर वालों को वो तस्वीरें भिजवाई तो फिर आपको एहसास नहीं हुआ। इस बात को सुनकर तो राहिला की आंखें पटे की पटी रह जाती हैं, लेकिन सोमिया जैसी लड़की, जैसी मासूम लड़की ने अपने किरदार पर कीचड़ उछालने वालों को माफ़ कर दिया है, उन्हें गले से लगा दिया है और यही तो सोमिया की खासियत है। आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल में आप देखने वाले हैं कि शेरीन अदन के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन आज भी वो गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं। क्या शेरी को अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या वो सोमिया से माफ़ी मांग लेंगे और दोनों एक साथ रहेंगी? कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर